हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का बिन्नी की रसोई में। तो आज बनाएंगे सिर्फ दो कच्चे आलू से बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा नाश्ता। झटपट से बनने वाला ये नाश्ता है, आपका जब भी मन कुछ स्नैक्स खाने का करे तो आप इस नाश्ते को तुरंत बनाकर तैयार कर सकते हैं। एकदम क्रिस्पी बनेगा और इसके लिए बहुत ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है, हम इसे सिर्फ दो सामान के साथ ही बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए इस कुरकुरे नाश्ते को बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है आलू। तो मैं यहाँ पर दो बड़े साइज का आलू ली हूँ। आप नाश्ता कितनी ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं उस हिसाब से आप आलू की मात्रा यहाँ पर बढ़ा लें। तो मैं यहाँ पर सिर्फ दो आलू से ही इस नाश्ते को तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले आलू को हम छील लेते हैं। धोकर आलू को छीलेंगे क्योंकि इसमें मिट्टी लगा होता है। बहुत आसान है इस नाश्ते को बनाना, इसके लिए आलू को बॉयल करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आपका जी चाहे बस फटाफट से आलू को छीलिए और हमें ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लेना है। तो ये मोटे वाले छेद की तरफ से ही हम इसे ग्रेट करते हैं तो आलू का जो है वो लंबा लच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। ग्रेट करते समय ध्यान दें कि हाथ में ना लगे और आलू को हमेशा जो है वो आप लंबे साइज की तरफ से ही ग्रेट करें तो लच्छे जो है इसके लंबे लंबे बनकर तैयार होंगे। तो चलिए दोनों आलू हमारा ग्रेट हो गया है, ग्रेटर से इसे निकाल लेते हैं और आलू में तुरंत हम यहाँ पर पानी डाल देंगे, नहीं तो फिर आलू काला पड़ जाएगा। और इस आलू को हम एक से दो पानी धोकर तैयार कर लेते हैं जिससे इसका सारा स्टार्च निकल जाए और गंदगी, तभी नाश्ता जो है वो क्रिस्पी बनेगा। तो आलू ग्रेट करने के बाद आप इसे एक से दो बार ज़रूर धोएं। और अब ये देखिए बिल्कुल साफ पानी आलू में आ गया है, यानी कि आलू का सारा स्टार्च जो है वो निकल गया है। और ये देखिए कितने लंबे और पतले पतले लच्छे बने हैं आलू के। तो अब इस आलू को चलिए हम पानी से निकाल लेंगे। तो अच्छे से मुट्ठी से सारा निचोड़ कर पानी आप इसका निकाल लें या फिर एक स्ट्रेनर में डालकर आलू के सारे लच्छे जो है वो पानी से अलग कर लें। बहुत ही सिंपल सा ये नाश्ता है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, कोई भी इसे बना सकता है। जो बिगनर्स हैं वो भी इस नाश्ते को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इसमें ना कोई ज़्यादा सामान चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा कोई तामझाम है। तो ये देखिए सारा आलू जो है वो पानी से निचोड़ कर हम निकाल लिए हैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे दो चम्मच कॉर्नफ्लावर। तो खाने वाले चम्मच से ही आप इसमें दो चम्मच कॉर्नफ्लावर डालें, थोड़ा बड़े साइज का वो चम्मच होता है। और अब हम कॉर्नफ्लावर को आलू के साथ मिक्स कर लेते हैं, आलू अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लावर से कोट हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनेगा कॉर्नफ्लावर से। अगर कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसे चावल के आटे के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हम इसे पहले अच्छे तरीके से आलू में कोट कर लेंगे कॉर्नफ्लावर को। और अब चलिए बहुत बेसिक सा सामान हम इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आधा छोटी चम्मच हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और स्वाद के अनुसार डालते हैं नमक। बहुत थोड़ी मात्रा में डालेंगे इसमें हल्दी, तो रंग अच्छा आएगा, बिना हल्दी के भी इसे बना सकते हैं। और अब यहाँ पर देखिए इसमें डालेंगे बिल्कुल 1 पिंच के करीब बेकिंग सोडा जिससे ये क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। और अब चलिए इन सभी सामानों को हम आलू के साथ अच्छे से हाथ से जो है वो मिक्स कर लेते हैं। तो शुरू में तो कॉर्नफ्लावर डालने से ये ड्राई होता है लेकिन जैसे ही हम अब इसमें नमक डालेंगे और थोड़ी देर हम कॉर्नफ्लावर के साथ आलू को छोड़ देते हैं तो इससे पानी जो है वो रिलीज होने लगता है। तो अच्छे से जब सारा मसाला इसमें मिक्स हो जाए तब हम आलू को इस तरीके से साइड करके रखते हैं जिससे कि इस पानी जो रिलीज होगा वो एक किनारे पर हो जाएगा। और अब हम छोटा छोटा पोर्शन इस आलू का लेंगे और हल्के हाथ से हम इसका बॉल्स बनाकर तैयार करते हैं जिससे ऊपर में जो आलू के लच्छे हैं वो बहुत अच्छे से नज़र आए। तो ये देखिए पानी रिलीज होना शुरू हो गया है। तो आलू को हम इस तरीके से साइड करते जाएंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से ही हम इसके बॉल्स जो हैं वो बनाकर रेडी कर लेते। छोटे छोटे बॉल्स ही बनाएंगे तो ये क्रिस्पी बनेगा। तो चलिए सारे बॉल्स जो हैं वो हम पहले इस आलू से तैयार कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए इतना सारा पानी जो है वो कॉर्नफ्लावर का निकला है। इस पानी का यूज जो है हम आटा लगाने में या फिर आप चिली बनाएं तो उसमें यूज कर सकते हैं। और ये देखिए सारा बॉल्स हमारा बनकर रेडी हो गया है, तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो मात्र 5 से 7 मिनट में ही ये नाश्ता देखिए झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। तो बिल्कुल हाई फ्लेम पे तेल को गर्म कर लेते हैं और एक एक करके हम इसमें बॉल्स को डालेंगे। जितना स्पेस बने उतना ही डालें, ओवरलैप बिल्कुल नहीं करते हैं। तो 5 से 7 बॉल्स यहाँ पर मैं अभी डालकर इसे फ्राई कर ले रही हूँ। जब एक तरफ अच्छे से सिक जाएगा तो हम इसे पलट कर देखिए गोल्डन ब्राउन होने जितना जब ये हो जाए तो तेल से इसको बाहर निकाल लेंगे। चलिए बाकी के बचे बॉल्स को मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो एकदम झटपट से शाम के चाय के लिए सिर्फ कच्चे आलू से ये नाश्ता फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल बिन्नी की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एकदम क्रिस्पी करारा ये नाश्ता हमारा बनकर तैयार है। तो आज ही आप इस नाश्ते को बनाएं और कमेंट्स जरूर करें।